हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आज इस वीडियो में मैं आपको वीवो V9 के कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास वीवो V9 है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक है शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट। तो आप यहाँ पर फ़ोन को शेक करके अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हो, चाहे आपका मोबाइल लॉक हो। यहाँ पर आपको सिर्फ पावर बटन को प्रेस करके फ़ोन को शेक करना है और आपका फ्लैशलाइट चालू हो जाएगा, और इसे ऑफ़ करने के लिए सिर्फ आपको पावर बटन को प्रेस करना है। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके स्मार्ट मोशन में जाके शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करना है। तो यहाँ पर सेकंड ट्रिक है iPhone 10 लाइक गेस्चर्स। Vivo V9 दिखने में आगे से और पीछे से iPhone 10 टाइप है, तो यहाँ पर हम इसमें iPhone 10 टाइप गेस्चर्स ला सकते हैं। तो जो यहाँ पे आपको राइट में जो बार दिख रहा है उसे स्वाइप करके आप कंट्रोल सेंटर ओपन कर सकते हैं। बीच में आपको जो बार दिया है उसे स्वाइप करके आप रिसेंट ऐप देख सकते हो, और लेफ्ट में जो आपको बार दिया है उससे आप बैक कर सकते हो। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको सिस्टम नेविगेशन में जाके नेविगेशन गेस्चर्स को ऑन करना है। इससे आपका Vivo V9 iPhone 10 लाइक की तरह हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड सेटिंग है मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग। इस सेटिंग्स को ऑन करके आप चाहे कोई भी वीडियो देख रहे हो आप, और आपको वो वीडियो बंद नहीं करना, और आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है तो आपको उस मैसेज को वीडियो बंद किए बिना रिप्लाई देना है। तो आप इस सेटिंग्स को ऑन करके स्क्रीन स्प्लिटिंग कर सकते हो, यानी कि मैसेजिंग ऐप को आप वीडियो देख के एक साथ चला सकते हो और उसको रिप्लाई कर सकते हो। तो आपको इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको स्मार्ट स्प्लिट्स में जाके मैसेज स्क्रीन स्प्लिटिंग को ऑन करना है, और आपको जो चाहे मैसेजिंग ऐप को आप वो स्क्रीन स्प्लिटिंग में ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर फोर्थ सेटिंग है इजी टच। Vivo V9 ने तो उसका लुक आगे से और पीछे से iPhone 10 लाइक तो बना दिया है, फीचर के मामले में वो भी पीछे नहीं। Vivo V9 ने iPhone 10 लाइक हमें यहाँ पर इजी टच दिया है। इससे हम एक टच से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नोटिफिकेशन बार ओपन कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं, और एक टैप से हमारा फ़ोन लॉक कर सकते हैं। तो इस एक टच से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको सिर्फ मोर सेटिंग्स में जाके आपको इजी टच को ऑन करना है। तो यहाँ पर फिफ्थ सेटिंग है स्मार्ट क्लिक। तो यहाँ पर आप स्मार्ट क्लिक से फ़ोन लॉक होने के बाद भी आपको जो चाहे वो ऐप ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके रखना होगा। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको सिर्फ सेटिंग्स में जाके स्मार्ट क्लिक को ऑन करना है, और आपको जो चाहे वो फीचर उसको सिलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पर सिक्स सेटिंग है ऑटो कॉल रिकॉर्डर। तो यहाँ पर आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करे बिना आपको जो चाहे वो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, और सिलेक्टिव कॉल्स भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको सेटिंग्स में फ़ोन में जाके रिकॉर्ड सेटिंग्स को ऑन करना है, और रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली और रिकॉर्ड कस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सेवन्थ सेटिंग है फेस आई डी ऐप लॉक। तो यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ से आपके कोई भी ऐप को फेस आईडी से लॉक कर सकते हो और फेस आईडी से उसको अनलॉक कर सकते हो, और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली फेस डिटेक्शन से उसे अनलॉक कर सकते हो। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड में जाके प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में जाके आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट करके आपको जो ऐप को लॉक करना है उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एट सेटिंग है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन। यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फीचर है, यहाँ से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑफ कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी लॉक बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, और इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको स्मार्ट मोशन में स्मार्ट टर्न ऑफ स्क्रीन में जाके डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन को ऑन करना है। तो यहाँ पर नाइन्थ सेटिंग है आई प्रोटेक्शन। इस सेटिंग्स को ऑन करके आप अपने आई को प्रोटेक्ट कर सकते हो। हमें रात में मोबाइल यूज़ करते समय इस सेटिंग्स का फ़ायदा हो सकता है, यानी कि हम जो रात में मोबाइल यूज़ करते हैं उसकी लाइट हमारे डायरेक्टली आँखों पर आ जाती है, और इससे हमारी आँखें ख़राब हो सकती है। तो इस सेटिंग्स का हमें यहाँ पर हेल्प होता है। इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाके आई प्रोटेक्शन को ऑन करना है।
तो यहाँ पर 10th और लास्ट सेटिंग है स्मार्ट अनलॉक। इस सेटिंग्स को ऑन करके हम आईफोन 10 की तरह कोई भी पावर बटन को प्रेस करे बिना हमारी ऑफ स्क्रीन को फेस आईडी से अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि बिना कोई बटन प्रेस करे हम फेस आईडी से अनलॉक कर सकते हैं। तो इस सेटिंग्स को ऑन करने के लिए स्मार्ट टर्न ऑफ स्क्रीन में हमें रेज टू वेक को ऑन करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ वीवो V9 के टिप्स ट्रिक्स एंड हिडन सेटिंग्स। तो अगर आपके पास वीवो V9 है तो आप ये ट्रिक्स एक बार करके ज़रूर देखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।